मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद नहीं रहे। कैंसर के चलते 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अभिनेता के पेट में कैंसर चौथी स्टेज पर पहुंच गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता का निधन अपने आवास पर हुआ। गुजरते साल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली खबर है। उनके निधन की खबर से पूरे इंडस्ट्रीज में शोक की लहर है। मशहूर अभिनेता रजा मुराद भी जूनियर महमूद को अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पर पहुंचे। जूनियर महमूद को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर विलन रजा मुराद उनके घर पहुंचे हैं। इस दौरान रजा मुराद ने मीडिया से बातचीत कर जूनियर महमूद के टैलेंट की सराहना की। उन्होंने जूनियर महमूद की फिल्मों के नाम लेते हुए कहा कि कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों न हो, जूनियर महमूद की फिल्मों में जरूरत पड़ती ही थी। देखिए, मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि 1913 जब हमारी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र लगी थी और 8 दिसंबर 2023 ये जो 110 साल हैं भारतीय फिल्मों के इतिहास के, इतना बड़ा सुपर स्टाइल चाइल्ड आर्टिस्ट आज तक कोई नहीं आया। वो राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी हो या आन मिलो सजना हो, वो सुपरस्टार थे। सुपरस्टार को भी ज़रूरत पड़ती थी जूनियर महमूद की। ये अकेला चाइल्ड आर्टिस्ट है इतिहास में जिसकी अपनी ऑडियंस थी, जो खुद अपने आप में बताते खुद एक सुपरस्टार था। इससे पहले ना कोई सुपरस्टार आया चाइल्ड आर्टिस्ट, ना आएगा। जैसा कि मैंने आपसे राजेश खन्ना का जिक्र किया, जितेंद्र साहब की फिल्म कारवां हो या महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा हो, अमिताभ बच्चन की, इनका नाम जो होता था फिल्म में वजन पैदा करता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्हें चाहते थे और इनकी जोड़ी बन गई थी शेख मुख्तार साहब के साथ, गुरु और चेला उस्ताद पेड्रो। तो इतना बड़ा चाइल्ड आर्टिस्ट आया ही नहीं आज तक। आए हैं, बहुत से आए हैं, लेकिन हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और इनका जो अंदाज़े बयां था वो किसी का नहीं था। और पहली बार मुझे आउट ऑफ इंडिया जूनियर महमूद लेकर गए। उन्होंने एक लंदन और बर्मिंघम में शो किया था, उसके बाद दुबई लेकर गए, उसके बाद बैंकॉक लेकर गए। मेरे बिना कोई फिल्म नहीं बनाते थे, वो वीडियो फिल्म हो वो मराठी फिल्म हो, मेरे बिना कोई शो नहीं करते थे। बहुत ही हम्बल इंसान था और कमिटमेंट का पक्का और सच्चा था। तो ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट ना आज तक आया है और ना ही आएगा।